16 दिसंबर पराक्रम और शौर्य की गाथा का गवाह बना सोल्जर ऑफ हॉनर। जय हिंद। 16 दिसंबर 2018 को देश ने याद किया उन रणबांकुरों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर साल 1971 में नए बांग्लादेश का निर्माण किया। एकत्रित हुए हैं उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, अपने लहू का एक एक कतरा अपने देश के लिए बहाया है। दैनिक भास्कर ने विजय दिवस के मौके पर सेना के शहीदों और घायलों को याद किया। 16 दिसंबर को देश शहीदों को नमन करने के लिए विजय दिवस मनाता है। इस 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सम्मान देने के लिए, शहीद के परिजनों को सम्मान देने के लिए, सेना के युद्ध में घायलों को सम्मान देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सोल्जरेथॉन रेस का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक भास्कर और यूफ्लेक्स के नेतृत्व में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 15,000 धावकों ने 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर दैनिक भास्कर के एडिटर इन चीफ दीपक द्विवेदी ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ दौड़ को झंडी दिखाई। आज का यह आयोजन सोल्जरेथॉन का दैनिक भास्कर के एडिटर इन चीफ श्री दीपक द्विवेदी जी ने किया है। यह उन महान शहीदों की याद में जिन्होंने 1971 में विश्व के मानचित्र पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक नए देश का की पैदाइश हुई और पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिट गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, राज्यवर्धन राठौर, सांसद मीनाक्षी लेखी, यूफ्लेक्स के अध्यक्ष दिनेश जैन, प्रांवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, क्रिकेटर गौतम गंभीर, पहलवान योगेश्वर सिंह ने शिरकत की। इतना ही नहीं, इस सोल्जरेथॉन में सेना के ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल डीडी गोयल ने भी हिस्सा लिया। इस तरह के आयोजन के लिए हमें आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहिए और मैं खास तौर पे जो भास्कर के एडिटर इन चीफ हैं श्री दीपक द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद कहते हैं और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, जो दूसरे स्पॉन्सर्स के साथ, उनको मिलके इतने बड़े आयोजन को अंजाम दिया है। और इसमें जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी सारे यूथ्स और हर एज ग्रुप के लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। देश के इस जज्बे को सलाम।